आई'ड लाइक टू आस्क यू, आप एक दूसरे का टैलेंट कैसे देखते हो? देखिए ऋषभ का तो अभी जब देखा टैलेंट लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग पूरा 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 कंट्री शॉक्ड है। और ये इन्होंने कुछ भी किया नहीं, जैसे हम लोग करते हैं प्रमोशन ये वो सब कुछ नहीं किया, चिपके से आए और कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में फाड़ के चले गए। फाड़ के चले गए नहीं वैसा, आप क्या बोल, आजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं कि आपने फाड़ दिया उनकी। नहीं वैसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सिनेमा करते हैं तो सिनेमा बात करना है तो लोग देख के वैसा लेके आए, इतने हमें वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया है। लेकिन नवाज भाई ऐसा मतलब उनके मुंह से इतना एक बड़ा शब्द निकल रहा है, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका काम का, गैंग्स ऑफ वासेपुर तो इतनी बार देखा मैं। तो थैंक यू सो मच। आप इंस्पिरेशन लेते हो उनसे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर कोई अच्छा काम होता है ना तो एक जेलेसी भी होता है, और एट द सेम टाइम आपने जेलेसी बोला। हाँ ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि इतना अच्छा काम कर दो तो डेफिनेटली। अगर मुझे वो जेलेसी ऐसी नहीं कि अरे माय गॉड, वो आपको ना एक और टोपे खड़ा कर देती है कि कोई तो है एटलीस्ट, इसलिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरह का होता है। ऋषभ जेलेसी बोला, ये कॉम्प्लीमेंट लोगे? हम तो देख के नवाज भाई की बहुत सारे फिल्म्स, बहुत साल एफर्ट डाल के, बहुत साल स्ट्रगल करके उसके बाद उनका जो एक प्रोजेक्शन हुआ इंडियन सिनेमा में, वो एक हमारे जैसे एक मिडिल क्लास लोग का जो बैकग्राउंड नहीं है ऐसा कुछ इंडस्ट्री में आके कुछ करना है तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। अच्छा। तो दो थिएटर से आए हैं और फिल्मों में छोटे छोटे रोल, हम भी ऐसे कन्नड़ा फिल्मों में बहुत छोटे छोटे ऐसा जूनियर आर्टिस्ट जैसे कैरेक्टर करके उसके बाद एक मौका मिला और एक सीनियर है हमारा, बस सेम जर्नी है। दैट्स फैबुलस, बोथ ऑफ यू ऑल हैव हम्बल बिगिनिंग्स, यू ऑल आर सुपरस्टार्स ऑफ टुडे, बट दिस होल नॉर्थ साउथ डिवाइड दैट दे टॉक अबाउट नवाजुद्दीन जी, नॉर्थ साउथ लैंग्वेज डिवाइड, ये देखिए सिनेमा जो है ना बाउंड्रीज के परे होता है, सिनेमा सिनेमा होता है। अगर कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई सिनेमा अच्छा निकल के आता तो आर्टिस्ट को अच्छा लगता है। वी हैव एक कम्युनिटी है, आर्टिस्ट की कम्युनिटी, तो हमें एक दूसरे के काम से हम इम्प्रेस होते हैं, अगले अपने काम में हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो गिव एंड टेक के चलता रहता है, इसमें कोई बाउंड्रीज लैंग्वेज इसका कोई मतलब नहीं होता। डेफिनेटली इट्स अबाउट इंडियन सिनेमा, तो हर रीजन का अभी हर रीजन का सिनेमा को देख के अभी लोग लैंग्वेज के जो बैरियर है वो हटा के इंडियन सिनेमा जैसे देख रहे हैं, तो शायद एक बहुत अच्छे मूवमेंट चल रहा है अभी। तो वही नवाज भाई ने बोला ना, वो एक आर्टिस्ट का कम्युनिटी, हमारा एक फैमिली जैसा है, तो इधर ये लोग कर रहे हैं, उधर हम लोग कर रहे हैं, सब अभी लोग सब लोगों को मिलके जो इंडियन सिनेमा जैसे देख रहे हैं। आप कभी बॉलीवुड करोगे ऋषभ? नहीं मुझे कनाडा फिल्म करना है तो उधर से आया हूँ मैं। नवाजुद्दीन जी आप कनाडा करोगे? बिल्कुल, अगर ऋषभ शेट्टी के अगर मुझे बोलेंगे फिल्म करने लिए मैं करूंगा डेफिनेटली। अब अगर दोनों एक एडवाइस देना चाहते हो बडिंग एक्टर्स को, जो कोई गॉडफादर नहीं है जैसे आप दोनों के लिए, यू केम फ्रॉम रियली ऑल थ्रू योर टैलेंट, दैट्स इट, व्हाट वुड यू एडवाइस? लाइक मैं हाँ, आप जो है ना अपने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी फिल्मों पे, अपने थॉट पे, अपनी ओरिजिनलिटी पे कॉन्फिडेंस, जो ऋषभ की पिक्चर ने प्रूव किया है विदाउट एनी किसी की हेल्प लेके, वो उन्होंने क्योंकि उनका उनके सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, वो प्रूव किया। तो अपनी ओरिजिनलिटी पे, अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंट होना पहले तो बहुत ज़रूरी होता है ना, उसके बाद डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस पे लोग आपको फिर अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऋषभ आप? डेफिनेटली ज़्यादा मतलब जस्ट सोचना मत, तो काम करो बस, तो क्या करना चाहते हो आप कर दो। मतलब ज्यादा इनपुट्स भी बारी लग जाएगा लोगों को, तो वो ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये देख देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग आते थे तो हमको ऐसा कुछ ये नहीं था, मतलब गाइडेंस नहीं था, तो ऐसा करो ऐसा करो, तो क्या मिलता है तो करके आए हम लोगों ने। तो सिनेमा देखिए एक दिन करके फाड़ दिया सबकी यार ऋषभ। एक लास्ट क्वेश्चन, स्मॉल बजट में मूवी ने इतना हाई रिटर्न्स बनाया कांतारा, आपने भी बहुत ऐसे फिल्म्स किए हैं जो छोटी बजट में मगर फिनोमिनल रिटर्न्स, आप बजट का कोई इम्पोर्टेंस देते हो फिल्म? नहीं, बजट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, फिल्म जिस बजट में होती है उसी में अच्छी लगती है। एक छोटी फिल्म को बड़े बजट में बनाओगे वो भी गलत हो जाता है, या बड़े बड़े सब्जेक्ट को छोटे उसमें, तो एक बजट होता है जो डिसाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह, डिसाइड करते हैं वो होता है। साउथ फिल्म्स क्यों इतना काम करती है नवाजुद्दीन जी? बिकॉज क्योंकि उनकी अपनी एक ऑनेस्टी होती है अपने काम में, अपने रूट से जुड़े होते हैं, बहुत ही रूटेड होते हैं, टॉपिक जो है उनके, जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अपने खुद के होते हैं, है ना,
और खुद की चीज़ों पे प्राउड है। लाइक जैसे अभी इन्होंने मैं कन्नड़ फिल्में करना चाहता हूँ, यानी इट मीन्स के उनको अपने कन्नड़ फिल्मों पे, अपने कन्नड़ होने पे ना प्राउड है, फील है, अपने इंडियन होने पे, जैसे हम लोगों को प्राउड होता है, ऋषभ को प्राउड होता है, अपनी चीजों पे प्राउड करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई साउथ फिल्म्स वर्क। व्हाई वुड यू स्मॉल बजट मूवी कांतारा इज मेड ह्यूज रिटर्न। आई थिंक कहानी को क्या चाहिए उतना भी डालना पड़ता है। अगर एक क्लोजअप लेना है तो हेलीकॉप्टर लेके आके हम लोग तोड़ी ले सकते हैं, ठीक है, बजट है करके। तो वो कहानी को कितना चाहिए उतना स्पेंड करना है बस। थैंक यू वेरी मच।